करने के लिए। 8 अक्टूबर 2005 के जलजले को 17 बरस गुजर गए, लेकिन एबटाबाद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पटन तहाल तामीर नहीं हो सका। बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रमीज राजा से। जी रमीज, 8 अक्टूबर 2005 के जिलजिले को आज 17 साल गुजर गए हैं। 17 साल पहले जिले ने अजारा डिवीजन के मुख्तलिफ अजला जिनमें मुनसेरा, कोहिस्तान, बटग्राम, हरीपुर, बलाकोट, मुजफ्फराबाद और एबटाबाद के दीगर अजला में बड़ी तबाही मचा रखी थी, जिनमें सरकारी स्कूलों की इमारतें, सरकारी जो बिल्डिंगे थी वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। इस वक्त मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पटन में मौजूद हूँ, जहाँ पर भी आज 17 साल गुजर जाने के बाद जो सरकारी इमारतें हैं, सरकारी स्कूलों की जो इमारतें हैं वो तमीर नहीं हो सकी। पिछले 9 साल से केपीके की अगर बात की जाए तो पीटीआई की हुकूमत है। इस वक्त एबटाबाद जिस हल्के में मौजूद हूँ, जहाँ से भी पीटीआई के जो मेंबर हैं, एमपी हैं नज़ीर अब्बासी, ये उनका हल्का है, लेकिन वो भी पिछले 9 साल से अपने हल्के के सरकारी स्कूलों की जो तमीर करवाना था, उनका काम था, वो उन्होंने नहीं करवाया। आज भी खुले आसमान के नीचे जो छोटे छोटे बच्चे अपनी तालीम हासिल करने पर उनको मुश्किलात का सामना है, लेकिन एक तरफ तरीके इंसाफ की हुकूमत ने तालीम के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आज साबित हो गया है उनके तमाम तर जो दावे हैं वो दरे के दरे रह चुके हैं। 17 साल गुजर जाने के बाद जहाँ के जो सरकारी इमारतें हैं वो तमीर नहीं हुई। इस हवाले से जब हमारे स्कूल के बच्चों से बात हुई, उनका यही कहना था कि सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, हम खुले आसमान के नीचे अपनी तालीम हासिल करते हैं। हमारा वज़ीर आला तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए।